अरे रघु, बहुत खुश खुश और फिट फिट दिखाई दे रहे हो आजकल, क्या राज है? हाँ भैया हाँ, इस राज का नाम है मिशन हेल्थ। मिशन हेल्थ? पर इसका तुम्हारी चुस्ती फुर्ती से क्या संबंध? हाँ, इस प्रोग्राम में दुनिया भर की स्वास्थ्य संबंधी बातें बताई जाती हैं। बड़े बड़े डॉक्टर आकर स्वस्थ कैसे रहें ये बताते हैं। प्रोग्राम में फोन करके सीधे डॉक्टर से बात भी कर सकते हो। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। कितने बजे और कहाँ आता है? दूरदर्शन उत्तर प्रदेश में रोज शाम 6 बजे आता है, मिशन हेल्थ। अच्छा भाई, हम तो चले। हाँ भैया। अरे भाई, घर जाके सबको बताना है कि सब लोग मिल करके एक साथ ये प्रोग्राम देखें, मिशन हेल्थ। देखना ना भूलें, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर रोज शाम 6 बजे मिशन हेल्थ। शाम 6 से 6:30 के बीच सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं तरन्नुम रिजवी। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। प्रदेश विधानमंडल सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के शोर शराबे के बावजूद राज्यपाल ने बिना रुके भाषण किया पूरा। कहा, सरकार देगी पारदर्शी, जवाबदेह और ईमानदार शासन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में हुए शामिल। जापान पहुंचने पर प्रधानमंत्री का हुआ जबरदस्त स्वागत। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी प्रधानमंत्री से मिलने को दिखे बेकरार। प्रदेश के कई जिलों में कल आई तेज आंधी और बारिश से मौसम में हुआ जबरदस्त बदलाव। तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। अलग अलग हुए हादसों में 32 लोगों की हुई मृत्यु। और ज्येष्ठ मास के दूसरे मंगलवार पर हनुमान मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं पूजा अर्चना। भंडारों के आयोजन के साथ ही हो रहे हैं अखंड रामायण, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ। समाचार अब विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र के पहले दिन कल राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष की जबरदस्त अराजकता और शोर शराबा सदन में देखने को मिला। खासतौर पर समाजवादी पार्टी के सदस्य सरकार विरोधी नारों की तख्ती लेकर नारे लगाते हुए वेल में उतर आए, जबकि सपा के सहयोगी दल सुभाजपा ने सदन में राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध करने में समाजवादी पार्टी का साथ नहीं दिया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही और राज्यपाल के सदन में पहुंचने के साथ सपा, कांग्रेस और बसपा के सदस्यों ने शोर शराबा और नारेबाजी शुरू कर दी। राज्यपाल ने 61 मिनट 15 सेकंड की अवधि में बिना रुके शोर शराबे के बावजूद अपना भाषण पूरा किया। राज्यपाल ने कहा कि पहले की तरह मेरी सरकार राज्य की जनता को पारदर्शी, जवाबदेह और ईमानदार शासन देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास की टाइम लाइन तय करते हुए कार्य कराए जाएंगे। दोनों सदनों के प्रथम अधिवेशन के अवसर पर पिछले 5 वर्षों में मेरी सरकार द्वारा किए गए सार्थक प्रयासों के फल स्वरूप उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पटल पर एक सक्षम और समर्थ प्रदेश के रूप में उभर कर सामने आया है, तथा अब उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। मेरी सरकार प्रदेशवासियों को पारदर्शी एवं जवाबदेह सरकार तथा ईमानदार तथा संवेदनशील प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए तत्पर रहेगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदेश सरकार के सभी माननीय मंत्रियों के अलग अलग समूह गठित किए गए हैं। माननीय मंत्री समूह द्वारा अलग अलग जनपदों का भ्रमण कर सरकार आपके द्वार के अनुरूप जनता से सीधा संवाद स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाज के कमजोर वर्गों के सम्मानित नागरिकों का खास ध्यान रखते हुए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18वीं विधानसभा के पहले सत्र के शुरू होने से पहले मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित के मुद्दों पर किसी भी प्रकार की चर्चा करने को
तैयार है। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि सदन में ऐसा आचरण न हो जो सदस्यों और सदन की गरिमा के विरुद्ध हो। प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के गरीबों, किसानों, नौजवानों और आधी आबादी के हितों के लिए किसी भी प्रकार की कोई चर्चा परिचर्चा के लिए सरकार सदैव तैयार रहेगी। स्वाभाविक रूप से सभी सदस्यों को इस अवसर पर सदन में अपनी बात को रखने का मौका भी मिलेगा, लेकिन माननीय सदस्यगण अपनी बात को तभी सदन में रख पाएंगे जब उस प्रकार का माहौल सदन के अंदर विपक्ष बनाने में अपना योगदान देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमी फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी यानी IPEF की घोषणा हिंद प्रशांत क्षेत्र को वैश्विक आर्थिक विकास का इंजन बनाने की सामूहिक इच्छा की घोषणा है। उन्होंने टोक्यो में एक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के लिए चर्चा शुरू करने के कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फोमियो के साथ अन्य साझेदार देश के नेताओं ने वर्चुअल उपस्थिति दर्ज कराई। जो बाइडेन ने क्वाड के सदस्य देशों के साथ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी की शुरुआत की। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ ही कोरिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम भी इसका हिस्सा हैं। ये देश मिलकर विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% हिस्सा साझा करते हैं। So starting today with 13 economies, economies that represent diverse sets of perspectives as we work on pursuing our common goals. That's critical because a key to our success will be the framework's emphasis on high standards and inclusivity. This framework should drive a race to the top among the nations in the Indo-Pacific region. And I want to be clear that the framework will be open to others who wish to join in the future if they sign up and meet the goals and work to achieve those goals. समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि IPEF भारत प्रशांत क्षेत्र को वैश्विक आर्थिक विकास का इंजन बनाने की सामूहिक इच्छा की घोषणा है। उन्होंने कहा कि भारत ऐतिहासिक रूप से भारत प्रशांत क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देने के केंद्र में रहा है। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र की आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए साझा और रचनात्मक समाधान निकालने का आह्वान किया। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, आर्थिक गतिविधि, वैश्विक व्यापार और निवेश का केंद्र है। इतिहास इस बात का गवाह है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के ट्रेड प्रवाहों में भारत सदियों से एक प्रमुख केंद्र रहा है। प्रधानमंत्री ने IPEF के लिए सभी देशों के साथ काम करने की भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की जो समावेशी और लचीला दोनों है। ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमलीनेस, मुझे विश्वास है कि यह फ्रेमवर्क इन तीनों स्तंभों को मजबूत करने में सहायक होगा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस दौरान एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया जो IPEF की प्रमुख बातों को सामने रखती है। इसमें IPEF हिंद प्रशांत क्षेत्र में लचीलापन, स्थिरता, समावेशिता, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से सदस्य देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना चाहता है। भारत एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध है और मानता है कि निरंतर विकास, शांति और समृद्धि के लिए भागीदारों के बीच आर्थिक जुड़ाव को गहरा करना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को टोक्यो में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जापान से हमारा रिश्ता बुद्ध का, बौद्ध का, ज्ञान का और ध्यान का है। पीएम ने भारत जापान संबंधों पर विस्तार से बात की और कहा कि दोनों देशों का रिश्ता विश्व के लिए साझे संकल्प का है। भारत
ये स्वागत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान की राजधानी टोक्यो में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब बोलना शुरू किया तो कहा कि उनके बीच आकर उन्हें अपनापन महसूस हो रहा है। भारत माता की, जापान से हमारा रिश्ता आत्मीयता का है, अध्यात्म का है, सहयोग का है, अपनेपन का है, सामर्थ्य का है। ये रिश्ता सम्मान का है और ये रिश्ता विश्व के लिए सांझे संकल्प का भी है। जापान से हमारा रिश्ता बुद्ध का है, बोध का है, ज्ञान का है। प्रधानमंत्री ने बुद्ध के विचारों को आज की दुनिया के लिए अहम बताया और कहा कि आज यही रास्ता है जो दुनिया की हर चुनौती से निपट सकता है। आज की दुनिया को भगवान बुद्ध के विचारों पर, उनके बताए रास्ते पर चलने की शायद पहले से ज्यादा जरूरत है। यही रास्ता है जो आज दुनिया की हर चुनौती, चाहे वो हिंसा हो, अराजकता हो, आतंकवाद हो, क्लाइमेट चेंज हो, इन सब से मानवता को बचाने का यही मार्ग है। प्रधानमंत्री ने भारत के सामर्थ्य का जिक्र किया और कहा कि चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, भारत समाधान जरूर ढूंढता है। पीएम ने बताया कि भारत ने कैसे कोरोना काल में दुनिया की मदद की। प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन पर भी बात की और कहा कि क्लाइमेट चेंज को जापान से बेहतर कोई नहीं जानता। उन्होंने इसके लिए भारत सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी। अब क्लाइमेट चेंज विश्व के सामने मौजूद एक महत्वपूर्ण संकट बन गया है। हमने भारत में इस चुनौती को देखा भी और उस चुनौती से स्थायी समाधान के लिए रास्ते भी खोजने की दिशा में हम आगे बढ़े। भारत ने 2070 तक नेट जीरो के लिए कमिट किया है। हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे ग्लोबल इनिशिएटिव का भी नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय लोकतंत्र की मजबूती की बात की और बताया कि कैसे चुनावों में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से ज्यादा होती है। पीएम ने आजादी के अमृतकाल का जिक्र किया और लोगों से अगले 25 साल के भारत का रोड मैप तैयार करने को कहा। भारत में आज सही मायने में पीपल लेड गवर्नेंस काम कर रही है। गवर्नेंस का यही मॉडल डिलीवरी को एफिशिएंट बना रहा है, यही डेमोक्रेसी पर निरंतर मजबूत होते विश्वास का सबसे बड़ा कारण है। आने वाले 25 साल यानी आजादी के 100वें वर्ष तक हिंदुस्तान को हमें कहां पहुंचाना है, आज हिंदुस्तान उस रोड मैप तैयार करने पर लगा हुआ है। प्रधानमंत्री विदेश दौरों पर भारतीय समुदाय के लोगों से जरूर मिलते हैं ताकि वो अपनी जड़ों से और मजबूती से जुड़ सकें। जापान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी प्रधानमंत्री से मिलने को लालायित दिखे। बच्चे हाथ में अलग अलग भारतीय भाषा में पीएम मोदी के स्वागत में अपने हाथों में तख्तियां लिए थे। देखिए कैसे हुआ प्रधानमंत्री का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो आ चुके हैं और उनके स्वागत में इस्तकबाल में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय लोग उनके होटल में स्वागत करने के लिए पहुंचे। आप देख सकते हैं तमाम बच्चे भी पहुंचे हुए हैं और भारत की विविधता यहाँ पे भी नजर आ रही है। कहाँ से सीख लिया तुमने? हिंदी तीन भाषा लिख दी।
इनके हाथ में जो साइन बोर्ड है तमाम भारतीय भाषाओं में उन्होंने स्वागत के लिए प्रधानमंत्री के लिए लिखा हुआ है। उन्होंने हमको पूछा कि आप कहाँ से हो, मैं बोला महाराष्ट्र इंडिया से, और उसके बाद वो मेरे से मराठी में बोले। We are very happy first time to meet Mr. Modi ji. I'm very happy right now. उन्होंने हमें ब्लेसिंग्स दी, फिर हमने उनके स्वागत किए, उनके बाद उन्होंने हमारे नाम पूछा और स्कूल पूछा। आज क्वाड शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुख शिरकत कर रहे हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान का यह संगठन हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, शांति, सुरक्षा और राजनीतिक लोकतंत्र के लिहाज से काफी अहम है। इस बीच अमेरिका राष्ट्रपति ने ताइवान पर चीन के आक्रामक रवैये को लेकर चेतावनी भी दी है। आइए जानते हैं क्या खास बातें हैं क्वाड शिखर सम्मेलन की। जापान की राजधानी टोक्यो में मंगलवार को क्वाड की होने वाली बैठक दुनिया की आर्थिक गतिविधियों के लिए भी काफी अहम है। क्वाड देशों का ये तीसरा शिखर सम्मेलन है। इससे पहले सितंबर 2021 में पहला और मार्च 2022 में वर्चुअल बैठक हुई थी। क्वाड देश हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, मुक्त और स्थिर बनाए रखने के साथ ही साथ सुरक्षित रखने पर भी खासा जोर दे रहे हैं। दुनिया के 60% से ज्यादा मालवाहक जहाज इसी क्षेत्र से गुजरते हैं। ऐसे में ये इलाका सप्लाई चेन के लिए भी अहम है। क्वाड देशों ने हमेशा से हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त नौवहन आवाजाही के लिए सुरक्षित बनाए रखने पर जोर दिया है। We're going to meet with our fellow Quad partners, Australia and India, for our fourth leaders summit and our second time meeting together in person. The Quad is showing the world that cooperation among democracies can get big things done. दरअसल बीते कई सालों से चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में विस्तारवादी नीति अपनाता रहा है, जिससे दुनिया को आशंका है कि कहीं उनके हित प्रभावित ना हो। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को चेताया है कि अगर चीन ने ताइवान को कब्जाने की कोशिश की तो अमेरिकी सेनाएं ताइवान की रक्षा करेंगी। क्वाड के अलावा प्रधानमंत्री मोदी जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय मुलाकात में शिरकत करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के साथ प्रधानमंत्री मोदी की पहली मुलाकात भी होगी। इसके अलावा होने वाली बैठकों में द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूती देने, रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के साथ साथ वैश्विक चुनौतियों के समाधान पर भी मंथन होगा। टोक्यो से आर्यन्द्र प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंधी, तूफान, बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं से प्रभावित जनपदों के जिलाधिकारियों को पीड़ित व्यक्तियों और परिवारों को निर्धारित मानक के अनुसार तत्काल राहत वितरित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राहत और मदद पहुंचाने में किसी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दैवीय आपदा के दृष्टिगत जनपदों में राहत कार्य प्रभावी रूप से कराया जाए। उन्होंने आपदा में घायल व्यक्तियों की समुचित चिकित्सीय व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि हेतुक सहायता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के संबंध में शासन को तत्काल सूचित किया जाए। उन्होंने इस आपदा में हुई जनहानि, पशुहानि तथा फसल क्षति के संबंध में आंकलन कराकर विस्तृत आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी जनपदों से फीडबैक लेकर आवश्यकता अनुसार तत्काल जरूरी कदम उठाए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को अपने जनपदों में सघन दौरा करने एवं नुकसान का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मंडलायुक्तों को राहत कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण करने के लिए निर्देशित किया है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में कल तेज हवाओं के साथ आई आंधी और बारिश के कारण मौसम में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला। पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर पिछले दिनों बने चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र और पाकिस्तान, अफगानिस्तान के ऊपर बने पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में यह बदलाव देखने को मिला। तेज हवाओं से जगह जगह पेड़ और पोल गिर गए और तापमान में खासी गिरावट दर्ज की गई। लखनऊ में तापमान गिरकर 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि मौसम विभाग ने 20.6 मिलीमीटर बरसात होने की बात कही है। पिछले 10 वर्षों में मई माह के एक दिन में होने वाली यह सर्वाधिक बारिश थी। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दो दिनों तक मौसम में बदलाव का असर दिखाई देगा। हालांकि बुधवार के बाद फिर से गर्मी बढ़ने के आसार हैं। आंधी बारिश के कारण लखनऊ सहित विभिन्न जिलों की बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई। तेज हवा चलने से बिजली के पोल बड़ी संख्या में क्षतिग्रस्त हुए और ट्रांसफार्मर में गड़बड़ी आने से कई इलाकों में कई घंटों तक बिजली गुल रही। बारिश और आंधी के हादसों के कारण प्रदेश में 32 लोगों की मृत्यु होने की भी खबर है। इनमें लखनऊ और आसपास के क्षेत्र के 12 लोग, बुंदेलखंड और मध्य उत्तर प्रदेश में 7, पश्चिमी यूपी में 3, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 6 और रुहेलखंड में
4 लोगों की मृत्यु होने के समाचार हैं। ज्येष्ठ माह के दूसरे मंगलवार पर आज लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हनुमान जी के दर्शन और पूजन के लिए उमड़ रही है। जगह जगह ज्येष्ठ मास के बड़े मंगल के उपलक्ष में मेलों और भंडारों के आयोजन किए जा रहे हैं। लखनऊ के प्रसिद्ध मंदिर हनुमान सेतु, अलीगंज के पुराने और नए हनुमान मंदिर, अलीगंज के पंचमुखी हनुमान मंदिर और अमीनाबाद के प्राचीन हनुमान मंदिर सहित सभी बड़े मंदिरों में हनुमान जी की प्रतिमा का सुरुचिपूर्ण ढंग से भावपूर्ण श्रृंगार किया गया है और उन्हें सिंदूर तथा चोला अर्पित करके श्रद्धालु उनकी आराधना कर रहे हैं। भंडारों में शीतल जल, शरबत, पूरी, सब्जी, छोले, चावल जैसी परंपरागत खाद्य सामग्री के वितरण के साथ ही आधुनिक फास्ट फूड, चाउमीन, सॉफ्ट ड्रिंक और आइसक्रीम का भी कई स्थानों पर वितरण किया जा रहा है। मौसम में नरमी आ जाने से दर्शनार्थियों की संख्या में खासी बढ़ोतरी देखी जा रही है। जगह जगह अखंड रामायण, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ भी किए जा रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला जज की अदालत में कल सुनवाई हुई। मामले में आज अदालत का आदेश आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सबकी निगाहें जिला जज की अदालत पर टिकी हैं। इस मामले में अदालत को 8 सप्ताह में सुनवाई करने का निर्देश दिया गया है। ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा अर्चना की इजाजत देने और अन्य देवी देवताओं को संरक्षित करने को लेकर दायर वाद की सुनवाई जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में हुई। इस दौरान कचहरी परिसर और आसपास सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था रही। अगली तारीख सुनवाई की क्या होगी इस पर फैसला आ जाएगा। एक प्रक्रिया बनाई जाएगी और उसके आधार पर ही मामले की सुनवाई होगी। हमने अपनी तरफ से एप्लीकेशन दी थी कि जो कमीशन की रिपोर्ट फाइल हुई उसकी सीडी और फोटोग्राफ हमें प्रोवाइड की जाए और कमीशन की रिपोर्ट जो है इस केस के रिकॉर्ड में पढ़ी जाए ऑर्डर 7 रूल 11 की हियरिंग पे। जो विपक्षी है उन्होंने कहा कि ऑर्डर 7 रूल 11 की सुनवाई पहले की जाए, तो माननीय न्यायालय ने आज अपना ऑर्डर सुरक्षित रखा है और एक प्रोसीजर बनाया जाएगा जिसके तहत अब इस मामले की सुनवाई आगे होगी। किस ऑर्डर में सुना जाएगा और कब अगली सुनवाई की तारीख है ये सारी बातें कल पता चलेंगी। कोर्ट ने अपना जजमेंट आज रिजर्व सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि न्यायाधीशों के खिलाफ लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अवमानना का दोषी पाए गए एक अधिवक्ता की ओर से दायर अपील की सुनवाई करते हुए कहा कि न्यायाधीशों के खिलाफ आरोप लगाना दुर्भाग्य से एक नया फैशन बन गया है। न्यायालय ने कहा कि जो न्यायाधीश जितने अधिक मजबूत होते हैं उनके खिलाफ आरोप भी उतने बड़े होते हैं। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश में न्यायाधीशों के खिलाफ धड़ल्ले से आरोप लगाए जाते हैं और अब ये मुंबई और मद्रास में भी हो रहा है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वादी का कृत्य अवमाननापूर्ण है और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने वाले हाईकोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ लगाए गए अकारण आरोप के अलावा कार्रवाई की सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों में से एक को मामले की सुनवाई से अलग करने की मांग भी बेबुनियाद है। आजमगढ़ में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा और अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं के तत्वाधान में अमृत महोत्सव के तहत निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया जिसमें मरीजों के निशुल्क इलाज के साथ ही उन्हें निशुल्क दवा आदि का वितरण भी किया गया। चिकित्सा शिविर में जनपद के बाहर से आए वरिष्ठ हृदय रोग, अस्थि रोग, मधुमेह रोग, कैंसर रोग तथा नाक कान गला रोग से जुड़े चिकित्सकों ने पीड़ितों का इलाज किया। आजमगढ़ जनपद के नीमा संगठन के अध्यक्ष डॉ डी सिंह ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नीमा संगठन निरंतर एक वर्ष तक जनता के हितार्थ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करेगा जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को निशुल्क दी जाएंगी। जिस तरह से देश आजादी का 75वां साल अमृत महोत्सव मना रहा है, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा राष्ट्रीय संगठन नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा ये भी अपने 75वें वर्ष में 13 अप्रैल को प्रवेश कर गया है। तो हम इस एक साल में जितने कार्यक्रम करेंगे वो अमृत महोत्सव को समर्पित होगा। उसी के तहत हम लोगों ने निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया।
क्योंकि हमारे यहाँ की जो लोकल मरीज हैं, गांव के हैं, गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं, वो बड़े डॉक्टरों को नहीं दिखा सकते, दवा नहीं कर सकते। हमारी बीमा की सोच रहती है कि हम आम जन के हित के लिए कार्य करते रहे। कोरोना काल में भी हम लोगों ने जब ज्यादा जरूरत थी तो उनको निःशुल्क मास्क बांटा, सैनिटाइजर बांटा, जब ब्लड की जरूरत थी तो हमने हमारे संगठन ने 79 में ब्लड डोनेट किया जिससे उनकी जरूरत पूरी की जा सके। हम समय समय पर पब्लिक के हित वाले काम करते रहते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में कल हमने जो नीमा का अमृत महोत्सव के तहत निःशुल्क चिकित्सा शिविर किया है, इसमें 6 विशेषज्ञ चिकित्सकों को हम बुलाए थे, जिसमें हृदय रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ, कैंसर रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ और गुदा रोग विशेषज्ञ, ये सारे विशेषज्ञ बनारस के बड़े अस्पताल से आके यहाँ निःशुल्क सेवा दे रहे थे। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देशभर में आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी को लेकर ताज नगरी आगरा में क्रीड़ा भारती द्वारा भारत प्रदक्षिणा सहवंदना का आयोजन किया गया। इस दौरान खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक बाइक रैली का आयोजन किया, जिसकी शुरुआत केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने की। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम से शुरू हुई खेल जागरूकता बाइक रैली आगरा कैंट, ईदगाह, नामनेर, साई की तकिया, सुभाष पार्क होते हुए साकेत कॉलोनी पर संपन्न हुई। इस अवसर पर मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने और जागरूक करने के उद्देश्य से बाइक रैली का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है और स्वस्थ मस्तिष्क से स्वस्थ जीवन मिलता है, इसलिए खेल बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें क्रीड़ा भारती के द्वारा आज पूरे देश में हजारों शहरों में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें खासतौर से बाइक रैली हो रही है। तो क्रीड़ा भारती की तरफ से ये राष्ट्रपति स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है, स्वस्थ मस्तिष्क से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। क्रीड़ा भारती के द्वारा हमेशा आयोजन होते रहते हैं महिलाओं के उन व्यक्तियों में, जिससे प्रभाव पैदा होता है। वाराणसी गंगा नदी में नौका विहार कर रहे यात्रियों से भरी नाव डूब गई। दुर्घटना में 4 लोगों के डूबने की आशंका है। नदी में डूबे लोगों की तलाश की जा रही है। घटनास्थल पर भेलूपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची है। घटना भेलूपुर थाना क्षेत्र के चेत सिंह घाट की है। नाव डूबने से इलाके में हड़कंप मच गया। नाव पर नाविक सहित 6 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों और गोताखोर की मदद से 2 लोगों को बचा लिया गया और 3 लोगों के शव बरामद कर लिए हैं, जबकि 1 व्यक्ति की तलाश अभी जारी है। दुर्घटना में मृत हुए लोगों के नाम अनस, संजय, शनि व असलामुद्दीन है। वहीं केशव की तलाश जारी है। नाव में सवार 5 लोग फिरोजाबाद जिले के रहने वाले थे। फिरोजाबाद के रहने वाले सभी व्यक्ति बनारस घूमने आए थे। सोमवार की सुबह सभी लगभग 10 बजे गंगा की सैर करने निकले थे। इसी बीच गहरे पानी में नाव डूब गई। डीसीपी राजेश पांडे ने बताया कि नाव डूबने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही मौके पर जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीम भेजी गई। दुर्घटना में मृत 3 लोगों के शव बरामद कर लिए हैं, जबकि तलाश जारी है। नाव में नाविक सहित कुल 6 लोग सवार थे, जिसमें 2 को बचा लिया है। मथुरा डिजिटल इंडिया के तहत ग्राम पंचायत ग्राम सचिवालय का निर्माण के बाद एक छत के नीचे ग्रामीणों की समस्या का समाधान होगा। जिले के पंचायत राज अधिकारी किरण चौधरी ने ग्राम पंचायत कारव विकासखंड राया में निर्मित आदर्श ग्राम सचिवालय का लोकार्पण विधायक पूरन प्रकाश, जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल द्वारा किया। ग्राम प्रधान शिशिर चौधरी ने अतिथि को फूलमाला और मूर्ति भेंट करते हुए स्वागत किया। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक पूरन प्रकाश ने ग्राम सचिवालय का फीता काटकर लोकार्पण करते हुए कहा, यह ग्राम सचिवालय जनपद मथुरा की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो पंचायती राज विभाग के कार्यों से विकास नई की गाथा लिख रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से हो रहे विकास कार्य, विधायक ने डिजिटल इंडिया के तहत ग्राम सचिवालय में लगे कंप्यूटर कुर्सी आदि की प्रशंसा करते हुए कहा कि आधुनिक सचिवालय ग्रामीणों की शान है, यह आधुनिक सुविधाओं से लैस है। और पंचायत घर के साथ ही साथ वो खेल मैदान भी बना रहे हैं, जिसमें रेसिंग ट्रैक, वॉलीबॉल, फुटबॉल कोर्ट, ये सारी चीज़ों की प्लानिंग है। साथ ही साथ प्रधान जी ने तालाबों के सफाई और तालाबों को भी एक आधुनिक रूप देने का एक अभियान शुरू किया है। बस एक कब्जे की बात है, वो समस्या हम आपस में प्रशासन में बात करके उसको कब्जा मुक्त करा लेंगे। पंचायत घर लोकार्पण कार्यक्रम का मूल उद्देश्य यही है कि अन्य प्रधान जी इससे प्रेरित हों और इसी तरीके से एक आदर्श ग्राम सचिवालय बनाए, जहां गांव के